प्यारे दोस्तों, आज हम आपको 3D में S लेटर लिखना सिखाएंगे, वो भी डॉट की मदद से। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। बस आप जल्दी से मार्कर पेपर पेंसिल उठा लीजिएगा और हमारे साथ ही बनाना स्टार्ट कर दीजिए। कैसे डॉट्स लगाने हैं इसको भी ध्यान से देखिएगा। इस तरह आपको 4 डॉट्स लगाने हैं, वो भी पास पास में, 4 ऊपर 4 नीचे। तो यहाँ पे 4-4 बिंदु आप इस तरह आसानी से लगा दीजिएगा। और गाइस, अगर आपने अभी तक मार्कर पेपर पेंसिल नहीं उठाया है तो जल्दी से उठा लीजिए और हमारे साथ ही बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा। फिर इसके बाद यहीं जैसे आपने ऊपर किया है उसी तरह सेम प्रोसेस आपको नीचे के साइड में भी करना होगा। ये हो गया दोस्तों यहाँ पर ऐसे। अब ध्यान से देखिएगा, आपको इस पॉइंट को यहाँ से ऐसे मिलाना है, फिर इस पॉइंट को भी मिला दीजिए। इसी तरह आप पॉइंट को मिलाते जाइए। यहाँ से भी आपको ऐसे पॉइंट को आसानी से मिला देना होगा। तो आप इस तरह चारों पॉइंट को मिला देंगे। मिलाने के बाद दोस्तों, इस वाले पॉइंट से आपको इसको मिलाना है। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही कमाल का बनेगा 3D में S लेटर हमारा। इसको इधर से मिलाएंगे, फिर इधर से आप ऐसे मिला दीजिएगा। यहाँ से इसको आप ऐसे मिला दीजिए। एक पॉइंट इधर छोड़ दीजिएगा, एक पॉइंट आपको इधर ऐसे छोड़ना होगा। फिर दोस्तों, ऊपर के साइड में भी एक पॉइंट लगाइए, एक पॉइंट आप इधर नीचे भी लगा दीजिएगा। यहाँ से इसको हम ऊपर मिला देंगे, फिर यहाँ से ऐसे तीसरे वाले पॉइंट पर मिलाइएगा। सेम आप इधर भी कर दीजिए, यहाँ से ऐसे मिलाइए। ये देखिए कितना आसानी से हमारा S लेटर बनने वाला है दोस्तों। यहाँ से इसको हम मिलाएंगे पॉइंट पॉइंट को, इधर भी आप ऐसे पॉइंट को मिला दीजिए। फिर दोस्तों, यहाँ से ऐसे आप पॉइंट को मिला दीजिएगा, इधर भी आप ऐसे मिला दीजिए। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और एक लाइन दोस्तों ऊपर के साइड में भी आपको ड्रॉ करना है। और लाइन ड्रॉ करने के बाद इधर से ऐसे मिलाइए, फिर ये वाला पोर्शन आपका इधर ऐसे जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, आपको यहाँ पर 3D में S लेटर हमारा बनके तैयार हो गया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसको कलर भी कर लेते हैं तो आपको क्लियर दिखेगा।